मुजफ्फर संभल की चंदोसी कोतवाली में पुलिस अधीक्षक ने मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से पुलिस कर्मियों को मास्क वितरित किए। जिस तरह से पूरे विश्व भर में कोरोना वायरस का आतंक मचा हुआ है और लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है, उसी के मद्देनजर आज जनपद संभल की चंदोसी कोतवाली में पहुंचकर पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से चंदोसी कोतवाली और बनियाखेड़ थाने में तैनात पुलिस कर्मियों को मास्क वितरित किए तथा उन्हें उससे बचने के उपाय भी बताए, जिससे कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा कर सके। इस मामले में पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि जिस तरह से पुलिस कर्मी सबसे ज्यादा जनता में रहकर के काम करती है, इसलिए उन्हें मास्क वितरित किए गए हैं और उन्हें उससे बचने के उपाय भी बताए गए। वही मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य अंकित ने बताया कि कोरोना वायरस के खिलाफ सिर्फ प्रशासन की लड़ाई नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए आज मेडिकल एसोसिएशन ने 1000 मास्क का वितरण किया है और आगे भी करते रहेंगे तथा इनकी कालाबाजारी भी नहीं करने देंगे। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से और जितने यहाँ पे हमारे व्यापारी बंधु हैं उन सभी की तरफ से हमारे पुलिस प्रशासन के लोगों को मास्क दिया गया है कि सभी लोग जो कोरोना वायरस है उससे अपना बचाव रखें। इसमें हमारे अंकित की विशेष भूमिका रही है, उन्होंने कोऑर्डिनेट करके सभी से और 1000 के आसपास मास्क हमारे पुलिस वालों को दिया है और हम लोग अवेयर कर रहे हैं, सभी को अवेयर कर रहे हैं कि सब लोग मास्क लगा के रखें, भीड़ भाड़ गैदरिंग में ना जाएं और लोग जो हैं अपना हाथ वॉश करते रहें, हैंड वॉश करते रहें लगातार और लगातार एक दूसरे को प्रिकॉशनरी रूप से समझाते रहें और कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये प्रिकॉशनरी अपने आप को साफ सफाई में रखें जिससे ये कोरोना वायरस से हम लोग लड़ सकें और इसको बचाव कर सकें। हमने फेस मास्क दिया है, सभी को बांटा है अभी और अभी सभी थानों पे इसको बांटा जाएगा। मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जो प्रोवाइड किया कराया गया है मास्क इसको और सैनिटाइजर को भी बांटा जाएगा सभी थानों पे और सभी को हमारे जो पुलिस पर्सनल हैं क्योंकि ये पब्लिक में सबसे ज्यादा रहते हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं का काम पब्लिक डीलिंग का रहता है, तो ये अवेयर रहें और अपने आप को थोड़ा कॉशन में रखें और लोगों से एक डिस्टेंस में रह करके बातचीत करें और अपनी जो सामान्य दिनचर्या है व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाते हुए अपना प्रभावी कार्रवाई भी करते रहें। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो है एसेंशियल गुड्स में आ गया है अभी फेस मास्क हैंड सैनिटाइजर, तो कोई भी इसकी कालाबाजारी नहीं करे, इसको स्टॉक में नहीं रखे, अनावश्यक स्टॉक में नहीं रखे, सप्लाई करें, पब्लिक के लिए है ये और पब्लिक को उपलब्ध कराएं, उसी रेट पे उपलब्ध कराएं जो रेगुलर रेट है और सभी को ये उपलब्ध रहेगा और खुद का बचाव करें, दूसरों को भी इसमें सहयोग करें, अवेयर करें और चूंकि दूसरे भी बचाव में शामिल होंगे तभी ये सामूहिक रूप से मिल करके ये समस्या का समाधान किया जा सकता है। कालाबाजारी की सूचना मिल रही है सैनिटाइजर, किस तरीके से अवेयरनेस किया जा रहा है लोगों को कोरोना वायरस को लेकर? कोरोना वायरस जो है ये हमारे पूरे समाज के लिए नुकसानदायक है, ये हमारी एक खाली प्रशासन की एक लड़ाई नहीं है, इसमें हम केमिस्ट्री एसोसिएशन के जितने भी हमारे सदस्य हम सब मिलकर इसमें प्रशासन का साथ देंगे और जहाँ जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी हम हर समय तत्पर रहेंगे और कोई कालाबाजारी और किसी प्रकार की मतलब स्टॉक अपने पास आदमी नहीं रखे। कितने मार्क्स आज बांटे गए? आज कम से कम 1000 मार्क्स बांटे। किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं लोगों? हम लोगों को बता रहे हैं कि एक बात करते हैं कि जिसमें आपका डिस्टेंस होना चाहिए, ज्यादा बाप हाथ नहीं मिलाना है हमें लोगों से और मतलब साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, मतलब ज्यादा पैनिक ना हो, केवल हमें प्रिकॉशन रखें।